वैसे तो एक कीपैड फ़ोन में इतने कुछ ज़्यादा फीचर होते नहीं है, बट फिर भी यदि आप एक कीपैड फ़ोन परचेज कर रहे हो ना, तो आपको कुछ के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए। मतलब कि आपको डिस्प्ले छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, या फिर बैटरी बैकअप कितना है उसमें, या फिर उसमें सिंगल सिम का सपोर्ट है या फिर ड्यूल सिम का सपोर्ट है, वो 4G वर्क करता है फिर 2G पर वर्क करता है, एंड एक और जो फिलहाल चला हुआ है कि भाई उसमें कॉल रिकॉर्डिंग होती है नहीं होती। तो इन सभी फीचर्स को ध्यान में रखकर मैं आपको इस वीडियो में 5 सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर फ़ोन्स बताने वाला हूँ, एंड इनमें से ज़्यादातर मैंने खुद ही अपने चैनल पर रिव्यू किए हुए हैं। तो चैनल पर सारे के लगभग सभी के आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यदि आपको इनमें से कोई भी परचेज करना हो तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। वहां से परचेज करोगे तो भाई के चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज लिंक से परचेज कीजिएगा, एंड चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, माय नेम इज लवि शर्मा एंड यू आर वॉचिंग टेक्नो टॉक। लिस्ट में नंबर 1 पर आपको देखने को मिलता है लावा की तरफ से आने वाला लावा का A3। अब ये वाला जो फोन है ना, ये करंटली मेरे पास अभी भी है, मैं इसे काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। तो ये फोन आपको तभी परचेज करना है जब आपका बजट कम हो, मतलब यदि आपका बजट 1000 से 1200 रुपए के आसपास है ना, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। काफी सिंपल सा फोन है ये वाला फोन, आपको 1.8 इंच की QVGA डिस्प्ले के साथ मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो काफी डिसेंट सी क्वालिटी है। 1750 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी दी गई है। इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बैटरी बैकअप की बात करें तो करीब 4 से 6 दिन का ये आपको बैटरी बैकअप इजिली प्रोवाइड करा देती है। अब ये वाला फोन आपको ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ मिल जाता है, एंड दोनों ही सिम 2G को सपोर्ट करती है, कोई भी सिम 4G को सपोर्ट नहीं करती। एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड साथ में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि लिटरली काफी अच्छी बात है। एंड प्राइस के हिसाब से देखें तो 1175 रुपए में आपको काफी अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा खासा मिल जाता है। सो ओवरऑल देखें तो ये वाला डिवाइस काफी अच्छा है। यदि आपका बजट 1000-1200 रुपए के आसपास है तो आप इसे इजिली परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर आपको 2 फोन देखने को मिल जाते हैं। पहला है मोटो का A10, दूसरा है नोकिया का 105। वैसे ये वाला फोन भी काफी अच्छा फोन है, मैंने अपने चैनल पर इसका रिव्यू वगैरह किया हुआ है। वैसे फिलहाल मेरे पास ये फोन नहीं है, सिर्फ एम्प्टी बॉक्स है, बट इसका चैनल पर आपको रिव्यू मिल जाएगा। एंड इसके बारे में मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये वाला है A10 ई भी आता है, वो वाला मत परचेज करना क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ी कम मिलती है। यदि आपको बड़ी डिस्प्ले के साथ चाहिए तो आप A70 परचेज कर सकते हैं, वो रिकमेंडेड है, बट A10 ई मत परचेज करना, बैटरी कम मिलती है। इसमें 1750 mAh की बैटरी है, उसमें शायद 800-1000 mAh की बैटरी है, वो मेरे को लिटरली इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी। आप A10 के साथ जा सकते हैं, ये ना मिले तो आपको A70 के साथ जाना है, उसमें डिस्प्ले बड़ी मिल जाती है 2.4 इंच की। मोटोरोला के A10 में आपको 1.8 इंच की QVGA डिस्प्ले मिलती है, जिसकी क्वालिटी काफी डिसेंट सी आपको मिल जाती है। 1750 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है, जिसके बैटरी बैकअप की बात करें तो करीब 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजिली मिल जाता है। ये वाला फोन भी आपको ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ मिलता है, एंड ये वाला फोन भी एक 2G फोन होने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, MP3 प्लेयर का सपोर्ट मिल जाता है, FM का सपोर्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको साथ में प्लस पॉइंट के तौर पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। अब दूसरा यहाँ पर हमारा जो फोन आता है वो आता है नोकिया का 105। अब ये वाला फोन लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि यदि आपको इतने बजट के अंदर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिससे आप UPI पेमेंट कर सकते हो, तो भाई ये फोन आप इजिली परचेज कर सकते हैं। इस फोन में आपको UPI का पेमेंट मिल जाता है, एंड साथ में इसकी बैटरी वगैरह भी डिसेंट है, 1000 mAh की बैटरी है, 1.8 इंच की डिस्प्ले है, एंड साथ में आपको यहाँ पर 2G सिम के साथ मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर आप इजिली कार्ड वगैरह इंसर्ट नहीं कर पाते। तो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा फोन है। यदि आपको कम प्राइस के अंदर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे आप UPI पेमेंट कर सकते हैं तो आप इजिली इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो ओवरऑल देखें तो दोनों ही डिवाइस काफी अच्छे हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। यदि आपको UPI पेमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप नोकिया का 105 ले सकते हैं, एंड यदि आपको बेसिक फोन चाहिए नॉर्मल आपको काम में लेना है तो वहां पर आप मोटो का A10 ले सकते हैं। लिस्ट नंबर 3 पर आपको देखने को मिलता है डीजो स्टार 500। अब काफी बंदों की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें एक बड़ी डिस्प्ले के साथ एक कीपैड फोन चाहिए होता है, तो ये वाला फोन आपको 2.8 इंच की एक बड़ी QVGA डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जो लिटरली आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा देती है। एंड साथ ही में यहाँ पर आपको 1900 mAh की काफी बड़ी बैटरी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो इजिली आपको 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराने वाली है। ये वाला फोन आपको ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है, दोनों ही सिम 2G को सपोर्ट करती है, एंड साथ में आपको यहाँ पर कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पर FM का सपोर्ट मिल जाता है, एंड साथ में आपको यहाँ पर MP3 प्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो काफी अच्छा फोन है। यदि आपको एक बड़ी डिस्प्ले के साथ एक अच्छा
का कीपैड फोन चाहिए तो आप इजिली से कंसीडर कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिस्ट में नेक्स्ट हमारा जो फोन आता है वो आता है नोकिया का 1064G। अब काफी बंदों की ये रिक्वायरमेंट रहती थी कि उन्हें एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें वो अपनी जियो की सिम यूज कर पाए, तो ये वाला फोन आपको वो चीजें प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ आपको यहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस भी मिल जाता है एंड इसकी डिस्प्ले वगैरह की बात करें एंड ओवरऑल फीचर्स वगैरह की बात करें तो वो भी आपको काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फोन में भी आपको यूपीआई पेमेंट का सपोर्ट मिल जाता है। 1.8 इंच का यहाँ पर आपको आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आईपीएस पैनल है तो कलर वगैरह आपको काफी ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिल जाते हैं। 1450mAh की यहाँ पर आपको बैटरी दी गई है। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर फोन, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा बैटरी ज्यादा कंजप्शन करता है एंड आपको यहाँ पर 2 से 4 दिन का ही बैटरी बैकअप आपको इजिली प्रोवाइड हो पाता है। अब ये वाला फोन भी आपको ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का तो सपोर्ट नहीं मिलता बट यहाँ पर आपको मैनुअल कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट जरूर देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा फोन है। यदि आपको 2000 या फिर 2200 के आसपास कोई फोन चाहिए एंड आपको यहाँ पर जियो की सिम वर्क करवानी है तो ये आपके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। लिस्ट का हमारा जो सबसे लास्ट फोन आता है वो आता है नोकिया का 215 4G कीपैड फोन। अब ये वाला जो फोन है वो पर्सनली मेरा फेवरेट फोन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर इसके जो डिस्प्ले है एंड इसके जो सारे फीचर है वो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। डिस्प्ले की यहाँ पर हम बात करें तो 2.4 इंच की QVGA डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है जो कि काफी बड़ी डिस्प्ले है। साथ में यहाँ पर आपको 4G सिम सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1150mAh की बैटरी है जो डिसेंट सा आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा देती है। अब ये वाला फोन भी आपको ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ मिलता है एंड यहाँ पर आपको कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको FM+MP3 प्लेयर का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इस वाले फोन के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओपेरा मिनी एंड फेसबुक जैसी ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाती है। सो ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा फोन है। यदि आपको एक प्रीमियम क्वालिटी के साथ फोन चाहिए एंड आपके लिए बजट ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि तो आपको 3200-3300 के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है। सो यदि आपके लिए बजट इतना मैटर नहीं करता तो आप इजिली से कंसिडर कर सकते हैं। काफी अच्छा फोन है। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ अच्छे कीपैड फोन थे जो कि करंटली आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड सभी सारे अच्छे होने वाले, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। एंड गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टेक न्यूज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।